Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls' Ruby College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over NEP 2020, this time I am going to discuss the views of NEP 2020 on innovative pedagogy. Okay, so the lecture will be useful as well as interesting for all the teaching aspirants. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इनोवेशन, नवाचार है ना इनोवेटिव पेडोगलॉजी को कहा जाएगा कि वो शिक्षण शास्त्र जो नवाचार युक्त हो तो वो नवाचार किसको कहते हैं कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो नया है है ना दि स्किल्ड टू इनोवेट इज अ डिजायरेबल ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल फॉर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सोचना या नया करने का कौशल जो है वो एक वांछित 21वीं शताब्दी का कौशल है कहने का मतलब कि अगर आप ट्वेंटी सेंचुरी में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको थिंक करने की आपके पास और इनोवेट करने की क्षमता होनी चाहिए इनोवेशन इन एजुकेशन इनकरेजेस स्टूडेंट्स एंड डिमांड्स टीचर्स टू बी एक्टिव इन रिसर्च एक्सप्लोर एंड यूज मल्टीपल टू कम आउट विद नोवेल आइडियाज और टू अनकवर समथिंग न्यू कह रहे हैं कि अगर शिक्षा में नवाचार से हम क्या समझते हैं शिक्षा में नवाचार वो है जो शिक्षकों को सॉरी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे और ये डिमांड करता है शिक्षकों से शिक्षकों से ये मांग करता है कि वो प्रो एक्टिव हों मतलब सिचुएशन हमारे सामने जो आने वाली है उसके पहले ही हम एक्टिव हो जाए उसके लिए अनुसंधान में या हम बहुत सारी स्ट्रेटीज को खोजें उनका यूज करें जिससे कि हमको कुछ नया मिल सके कोई नया विचार आ सके और हम कुछ नया खोज सकें इनोवेशन इनवॉल्वस अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैन हम सभी लोग क्रिएटिविटी के बारे में जानते हैं तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी आपस में बहुत मिलते जुलते हैं वो जैसे क्रिएटिविटी में हम समस्याओं को नए तरीके से देखते हैं तभी तो नया हमको क्रिएटिविटी भी क्या है इनोवेशन है क्रिएटिविटी भी क्या है ओरिजिनल है ओरिजिनल तरीके से यूनिक तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखना उसी तरह से इनोवेशन इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट कैटेलाइजेज स्टूडेंट्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स And helps to solve complex problems. मतलब एक ही तरीके से आप सोचते रहेंगे तो आप कभी इनोवेट नहीं कर सकते कुछ नया सोचिए नया करने की कोशिश कीजिए हमको ये स्टूडेंट्स को सिखाना है ताकि वो जो जटिल समस्याएं हैं उनको उनका हल निकालने में सफल हो सकें इट इज कमेंडेबल दैट इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन इनोवेशन एज ग्लोबल इनोवेशन इंडेस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रैंक इंडिया एज दी फोर्टी एट मोस्ट इनोवेटिव नेशन इन दर्ल्ड एमंगस्ट वन थर्टी कंट्रीज यानी कि 131 देशों की लिस्ट में भारत का 48वां स्थान मिला है मतलब कंपेरेटिवली अच्छा स्थान है तो ये शो करता है कि हम लोग कुछ कुछ इनोवेटिव अब कर रहे हैं अच्छा कर रही है इंडिया अब ग्लोब इनोवेशन के क्षेत्र में ठीक है तो ये अच्छी बात है तो ये तो हुआ इनोवेशन और अब इनोवेटिव पेडोगोजी किसको कहें इनोवेटिव पेडोगोजी वो कह रहे हैं कि दी एडजेक्टिव वर्ड इनोवेटिव फोनोर्स फीचरिंग न्यू मेथड्स दैट आर एडवांस्ड एंड ओरिजिनल इन जो पेडेगॉज pedagog, पेटेगॉगी भी कई लोग बोलते हैं तो जो पेडिगॉगी में जो इनोवेटिव जो एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है उसका मतलब है कि हमको कुछ नया करना है कुछ ओरिजिनल करना है इट मे बी अंडरस्टूड टू बी दोज अप्रोचेज दैट इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ अप्रोक्रिएट मीन्स एंड मेथड्स इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे एंड इन वेरीड कॉम्बिनेशन टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव मतलब हमको कुछ पहले तो उचित तो मीन्स और मेथड्स को चुनिए उसका इस्तेमाल कीजिए और उसका इस्तेमाल किस तरीके से कीजिए किसी नए और संरचनात्मक रचनात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारे कॉम्बिनेशनस में उसको यूज़ कीजिए जिससे कि की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाए मेन पर्पज़ क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना बाई इनेबलिंग द लर्नर्स टू अटेन द एक्सपेक्टेड या डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स डेवलप स्टूडेंट्स केपेबिलिटीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम वर्क लर्निंग टू लर्न रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें ये सारे कंसेप्ट ये सारे एडजेक्टिव इनोवेशन के लिए यूज होते हैं कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो आप टीम वर्क के साथ काम कर सकें आप में सीखने की क्षमता हो सीखने मतलब लर्निंग टू लर्न कैसे सीखना है ये सीख सकें जो सीखा है जो उस पर चिंतन कर सकें इन सब इन सब योग्यताओं में हमको लर्नर को जो है वो योग्य बनाना है ताकि वो इसको पा सके और बार बार फिर लर्निंग आउटकम की बात हो रही है लर्निंग आउटकम पर बात करना आपसे बहुत जरूरी हो गया है कि क्या है लर्निंग आउटकम है ना टू बी क्रिएटिव हमको क्रिएटिव बनाना है स्टूडेंट्स को अडेप्ट टू चेंजेस मतलब कि जो उसके सामने जो वातावरण बदल रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप को अनुकूलित कर सके मैनेज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड वर्क विद नॉलेज ये सब एक एक शब्द देखिए वर्क विद नॉलेज इतनी आसान चीज है मैनेज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन हम जो प्रथम दृष्टया हमको दिखता है हम उसी को सही मान लेते हैं हम एनालाइज कहाँ करते हैं इन्फॉर्मेशन को तो ये सब सिखाना है स्टूडेंट्स को ऐसी पेडोगॉलॉजी जो हो वो इनोवेटिव पेडोगलॉजी कहलाएगी Innovative pedagogy is the process of proactively introducing new teaching strategies and methods into the classroom to improve academic outcomes and address real problems to promote equitable learning. किस शिक्षण शास्त्र को आप कहेंगे कि वो नवाचार से युक्त है जिसमें कि आप प्रोएक्टिवली यानी कि पहले से ही आप एक्टिव हो जाएं आ, कुछ नया करने के लिए न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने के लिए जिससे कि आप क्लास के एकेडमिक आउटकम को सुधार सकें और जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जो जो रोज़मर्रा की हमारी रोज जिंदगी की समस्याएं हैं उनको उनको एड्रेस कर सकें उनका उनका निराकरण कर सकें और इक्विटेबल लर्निंग को प्रमोट कर सकें मतलब सबको बराबर शिक्षा सबको उसकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा ठीक है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या कहा है कि कैसे आप पेडेगोजी में इनोवेशन ला सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इमेसिस किया गया है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है इन ऑल स्टेजेस यानी कि आप चाहे सेकेंडरी स्टेज पे हो स्कूल प्राइमरी लेवल पे हो या आप हायर एजुकेशन पे हो होंसपीरियंशियल लर्निंग विल एडॉप्ट कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अडॉप्ट कीजिए इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या आना चाहिए हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि बच्चा कुछ करके सीखे आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन देखिए ये सब नए शब्द हैं जो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी ने यूज़ किए हैं इसके पहले आर्ट्स इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडेगोजी आप अगर साहित्य पढ़ाना चाह रहे हैं आपको रस पढ़ाना चाह रहे हैं आपको इमोशंस उनसे शेयर करना चाह रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग से बेहतर तरीका नहीं है एमंग अदर्स एट स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट एंड विद एक्सप्लोरेशमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स दूसरे विषयों के साथ ही हमको अंत संबंध ढूंढना इसी को इन्होंने मल्टीडिसिप्लिनारिटी का नाम दिया है टू तो क्लोज द गैप इन अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स यानी कि लर्निंग आउटकम में जो गैप आ रहा है गैप कैसे आ रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि बच्चा ये कोर्स करके निकलेगा तो इतना सीख जाएगा लेकिन वो उससे कम सीखता है तो जो गैप आता है उसके बीच में उसको हमको कम करना है क्लासरूम ट्रांजेक्शन विल शिफ्ट जो क्लासरूम में हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसको हमको चेंज करना होगा शिफ्ट करना होगा किधर टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन यानी कि जो स्टूडेंट है वो एकदम कॉम्पिटेंट हो जाए उसमें जो उसको जो कि हम उसको सिखाना चाह रहे हैं दी असेसमेंट टूल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग देखिए हर ये इसका एक मतलब आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है

हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है जो भारतीयता रही है जो भारतीय मूल्य रहे हैं उनसे जुड़े रहकर आपको आधुनिकता तक जाना है तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो इंडियन इथहॉस है जो इंडियन आर्ट और कल्चर है उसको आप एपेडेगोजी में इंबेडेट कर दीजिए मतलब उसमें आप उसको डाल दीजिए उसमें आप इसको इंटरमिंगल कर दीजिए जिससे कि ये जो लिंकेज बनेगा ये जो जुड़ाव बनेगा ये जो संबंध बनेगा शिक्षा और संस्कृति के बीच में इससे आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी और जॉयफुल लर्निंग होगी और सब बढ़िया हो जाएगा बेहतर हो जाएगा एटलीस्ट है ना स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है? स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इज अनदर क्रॉस करिकुलर पेडेगॉजिकल अप्रोच दैट यूटिलाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ वो कह रहे हैं कि बच्चे को बच्चा पैसिव है पैसिव लर्नर है उसके पास खेलने कूदने का कोई उसके पास स्कोप नहीं है उसको आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं फिजिकल फैसिक, एक्टिविटीज़ में तो बच्चे की स्टूडेंट की फिजिकल एक्टिविटी को यूटिलाइज कीजिए पेडेगॉजिकल प्रैक्टिस में अब स्पोर्ट्स में क्या होता है क्या क्या सीखते हैं हम स्पोर्ट्स में हम लेबोरेशन सीखते हैं हम सहयोग करना सीखते हैं हमको अपना जैसे वो रिले रेस होती है हमको दौड़ के पहले आदमी को देना है वो दूसरे आदमी को देगा तो दोनों को करेंगे तभी तो हम बहुत बहुत तेज भागे वो धीरे तो obviously तो हार ही जाएंगे ना कोलेबोरेशन आदमी स्पोर्ट्स में सीखता है self -initiative, आप खुद लेके दिखाइए रहिए टीम वर्क सीखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं हम में सिटीजनशिप की भावना आती है तो ये सारे गुण स्पोर्ट्स के इंटीग्रेशन से आ सकते हैं स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग विल बी अंडरटेकन इन क्लासरूम रूम टू हेल्प स्टूडेंट्स अडॉप्ट फिटनेस एज अ लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड देखिए कितना आजकल योग पर बल है फिटनेस पर बल है बिकॉज इतनी सारी बीमारियां हैं जो पहले कभी नहीं थी जो इतनी कम उम्र में पहले कभी नहीं थी तो अगर आप स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग को अचीव कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड स्टूडेंट्स का बन जाएगा जो आगे भी जारी रहेगा कि उनको फिट रहना है एंड टू अचीव द रिलेटेड लाइफ स्किल्स अलॉन्ग लेवल्स ऑफ फिटनेस एज एज इनवाइसेज इन द फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है हमारे देश में लाइफ स्किल्स की बात हो रही है लाइफ स्किल्स वगैरह कंसेप्ट बहुत पुराने नहीं है जीवन कौशल आपने उनको ज्ञान नहीं देना है सिर्फ जीवन कैसे जीना है ये भी सिखाना है the need to integrate sports in education is well recognized as it serves to host foster holistic development by promoting फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बींगा एनहेंसिंग एबिलिटीज यानी कि अगर हम स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन या पेडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हम उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकल वेलबींग well उनका सुधार सकते हैं इसके अलावा साथ cognitive ability तो ही साथ कॉग्नेटिव एबिलिटी तो एनहेंस होगी ही यानी कि हमको सिर्फ कॉग्नेटिव एबिलिटी पर ध्यान नहीं देना है बल्कि उसके जो अदर आस्पेक्ट्स हैं उसको भी इंटीग्रेट करते हुए चलना है ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है फिर इनोवेशन पे क्या कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टू बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा यानी कि आप एक नेशनल रिपोजिटरी बना लीजिए राष्ट्रीय मतलब संग्रहालय टाइप का जिसमें आप हाई क्वालिटी रिसोर्स रखिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हैं वो टीचर्स यूज करें जिससे कि जो कोई लैंग्वेज बैरियर या इस तरीके का बैरियर आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में उसको पाटा जा सके उस पर सेतु बनाया जा सके एंजॉयबल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स टू बी डेवलप्ड हर लेवल पे बच्चों के लिए आप अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स बनाइए उसमें हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो दूसरी भाषाओं में लिखी गई है टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लीजिए बिकॉज बिना टेक्नोलॉजी के तो काम नहीं चलने वाला है फिर क्लासरूम रूम प्रोसेस को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट कर दीजिए मल्टीलिंग्वलिज्म को बढ़ावा दीजिए मतलब बहुभाषावाद है ना आप सभी भाषाओं को आप प्रमुखता देंगे ट्रांसलेशन कराइए गेमिफिकेशन करिए थिएटर स्टोरी टेलिंग पोएट्री म्यूजिक सब जितना ज्यादा विधा यूज करेंगे उतना बेहतर हो सकेगा टू इंप्रूव इनोवेशन एंड इंक्रीज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ कोर्सेज हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी इंकरेज टू अप कैंपस इन अदर कंट्रीज एंड सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम एम दी टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ इन दर्ल्ड विली फैसिलिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया कह रहे हैं कि बहुत देश ऐसे भी हैं जो भारत से बेकार परफॉर्म कर रहे हैं हमसे कमतर हैं हमसे विकास में हमसे पीछे हैं वहाँ पे भारत के वो आ, आ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपने कैम्पसेज लगा सकती हैं जो अच्छा कर रही है इनोवेशन में और दुनिया की टॉप मोस्ट सौ यूनिवर्सिटीज़ के कैम्पसेज़ भारत में लगाए जा सकते हैं इस तरीके की बात इंक्रीज इम्फेस ऑन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो आप इनसे बच नहीं सकते हैं आपको इनोवेटिव प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस नेशन बनाना है तो आपको हायर एजुकेशन पे इम्फेस करना होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करना होगा ये सारी बातें की गई हैं पॉलिसी इम्पावर दैकल्टी ऑफ एच ई आईज कंडोवेटिव टीचिंग रिसर्च एंड सर्विस मतलब कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो फैकल्टी है आप उसको उस, उस, मतलब उसको सशक्त बनाइए ताकि वो इनोवेटिव टीचिंग और रिसर्च कर सके hmm, उसको आप थोड़ा ऑटोनॉमी थोड़ा उसको स्वायत्तता दीजिए कि थोड़ा अपने थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल हो सके थोड़ा वो फेर बदल कर सके जैसा वो चाहती है वैसे पढ़ा सके वो चाहता है वैसे पढ़ा सके प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन एंड इनोवेशन इन डाइवर्स फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग फार्मेसी होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा को भी आप प्रमोट कीजिए

बोथ फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड, वो कह रहे हैं कि टी बना दिया जाएगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जिसपे कि आप आइडियाज का एक्सचेंज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके लर्निंग को बढ़ाने के लिए अच्छा इतना ही ठीक है तो इतनी तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं कि इनोवेटिव हो बिकॉज ये नया जमाना है अब आप पुरानी तरीके से नहीं चल सकते कुछ नया करना होगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा आर्ट्स को इंटीग्रेट कर आर्ट्स का मतलब यहाँ आर्ट से नहीं कला से नहीं है जो हमारी संस्कृति है उसको जोड़ के मतलब सिर्फ आर्ट से नहीं है ना आर्ट्स एंड कल्चर को भी इंटीग्रेट कर लीजिए पेडोलॉजी में सोशल साइंसेस को भी इक्वल इंफेसिस दीजिए स्कूल लेवल हायर एजुकेशन सब सब बराबर तरीके से समता मूलक तरीके से अगर उनका विकास होगा तभी आप इनोवेशन ला सकते हैं और स्टूडेंट्स इनोवेटिव होंगे तो वो आगे जाकर भी अपनी फ्यूचर लाइफ में भी इनोवेटिव रहेंगे ओके okay? तो ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है अगर पेडोलॉजी के मामले में देखा जाए तो उसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर्ट इंटीग्रेटेड पेडोलॉजी और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडोलॉजी गेमिफिकेशन स्टोरी टेलिंग इन सब बातों पर बहुत बल दिया है ठीक है तो इन दिस वे आई हैव हैम्प्लीटेड दिस वेरी टॉपिक सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन आई साइड